देव आपका परिचय फोटो ले लो ना क्या देखो जी मेहनत करने वाले होने चाहिए। 9 गांव कोई ज़्यादा नहीं है, हमने 9 गांव एक महीने के अंदर डोर टू डोर कर दिए हैं, वो भी 4 बार। अच्छा। और लोगों का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। श्यामसू गांव एक हमारे घर जैसा गांव हो गया है, यहाँ बिल्कुल आते हैं तो सब यूँ लगता है भाई एक अपने गांव में आए हुए हैं। तो सुरेंद्र जी, जैसे कि हर कोई अपना अपना मुद्दा लेकर के चल रहा है गांव के विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए, तो किन मुद्दों को मुख्यतः लेकर के आप इस वार्ड में, वार्ड नंबर 4 में चल रहे हैं? देखो जी, मुद्दे तो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, सड़क, बिजली, पानी, और सबसे ज़्यादा देखो पार्षद अगर हम बनते हैं और लोगों का जो प्रेम प्यार जितना मिल रहा है, पार्षद बन चुके हैं। और दूसरी बात है जो इस गांव की जो एक मेन समस्या मैं रहा हूँ, इस गांव के अंदर जो मेन समस्या है वो पीने के पानी को लेकर के है। तो ये जो काम है सरकार के साथ मिलकर गांव से, जो भी हमारे भविष्य में, जो गांव के अंदर हमारे जो भविष्य में जो सरपंच प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके साथ मिलकर सबसे पहले जो पीने के पानी की है, सिंदोल जो अपनी नहर है उससे स्पेशल रजवाए लेकर आएंगे और पूरे गांव राम के सहयोग से और सरकार के सहयोग से ये काम सबसे पहले हम सिरे चढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है। और एक बस की समस्या है यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए। अच्छा। और बस की समस्या है, ये समस्या हम पूरी कराएंगे। तो ऋतु जो जांगड़ा है इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो उम्मीदवार है उससे भी हम रूबरू करवाना चाहते हैं, तो पढ़ाई के, एजुकेशन के बारे में। सर BA है, JBT है, ITI है, एजुकेटेड है जी। और एक साथ के साथ में एक फौजी कैप्टन रिटायरमेंट है, मेरे ससुर जी उनकी बेटी है, तो एक जज्बा जुनून है। और हम गांव के सरपंच भी रहे हैं पहले, मैं भी यूथ क्लब में काम कर रहा हूँ 12 साल से। अच्छा। एक समाज सेवा में एक मतलब पहचान भी है और काम भी करते हैं, और एक पकड़ होती है अधिकारियों में, वो पकड़ हम रखते हैं, वही किस अधिकारी से क्या काम लेना है, कैसे लेना है। तो दोस्तों ये तस्वीरें आपको श्यामसू गांव की दिखा रहे हैं, जो रितु जांगड़ा वार्ड नंबर जिला परिषद के 4 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। सुरेंद्र जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके पति, और बातचीत की जिन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सिस्टम से, अभी हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल को सबसे पहले, मैं रोहतास टाक बड्डोपट्टी से, और मैं शुरू से भाई के साथ में लगे हुआ हूँ, देख रहा हूँ कि जितनी मेहनत, ये एक भाईचारा का इलेक्शन है और इसमें भाईचारा ही जीतता है जी। तो मैं शुरू से साथ में हूँ, देख रहा हूँ कितना भाईचारा, भाई का बहुत बढ़िया भाईचारा है, हर गांव में माले जहाँ भी जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। तो कुछ जैसे कि ग्रामीण तबके का जो चुनाव पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए होता है, कुछ जो श्याम दाम दंड भेद जो अपनाया जाता है चुनाव के अंदर, तो नशे को लेकर के आप क्या कहेंगे, कुछ लोग दारू वगैरह भी बांट रहे होते हैं? नहीं, हमारा इलेक्शन भाईचारे का, साफ सभी, ये भी साफ सभी का लड़का है और भाईचारे का इलेक्शन है, कोई नशा पता है। तो इस तरह की जो बीमारी है उसको दूर भगा रहे? हाँ, इससे वैसे पहले भी दूर से, आगे भी दूर है, इलेक्शन में भी दूर है इससे। हमने इलेक्शन लड़ना हो, एक भाईचारा इलेक्शन लड़ना। नाम बता दी? संदीप चैल। तो दोस्तों और भी जो साथी जुड़े हुए हैं, हाँ कैंडिडेट भी आ चुके हैं इधर, तो चुनावी प्रतिक्रिया के अंदर रितु जांगड़ा जी शायद नज़र आ रहे हैं, चुनाव के लिए बातचीत भी करेंगे हम। रितु जांगड़ा जी जो कि चुनाव प्रचार में व्यस्त नज़र आ रही हैं, लेकिन पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा समय लेंगे आपका। धन्यवाद, नमस्कार सर। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? हम चुनाव लड़ रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और जो लड़कियां हैं उनके आने जाने के प्रबंध के लिए, और बोल रहे हैं समस्याएं आई हैं इनके समाधान में कि यहाँ पे बस नहीं आ रही है। अच्छा, उसको लेकर के भी मुद्दा उठाएंगे जो बसों की समस्या महिलाओं को आ रही है। यस, शिक्षा को लेकर भी उठाएंगे। तो बहन जी बात करें जो पंचायती राज चुनाव संस्थाओं के अंदर जो 50% आरक्षण हरियाणा सरकार ने दिया और बराबर की भागीदारी, वोट का बराबर का अधिकार महिलाओं को भी, तो बराबर की अधिकारी आपको बनाया गया है, तो इसके लिए लेकर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमको भी, हम मौका दिया गया है, इन सब ने सरकार ने बराबर का हिस्सा दिया हमको भी, के रोड की भी समस्याएं सामने आई हैं इनको भी ठीक करवाने का पूरा पूरा वो सहयोग करेंगे और काम करेंगे
और दोस्तों ये थे हमारे साथ में रितु जांगड़ा जी, जो कि कई मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा समर्थन जो है, जो उम्मीदवार वोटिंग के लिए यहाँ पे घूम रहा है, उनको मिल रहा है। नमस्कार जी। हाँ जी, राम राम। क्या कहना चाहेंगे जो उम्मीदवार चुनाव में अपना प्रचार प्रसार के लिए सामने आ रहे हैं? ठीक है जी, बढ़िया है जी, इनका रुझान भी बढ़िया है और ये काम भी कह रहे हैं ठीक करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। और शराब शरूब की कह रहे हैं, ना बांटेंगे ना पिलाएंगे। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी, नाम बता दीजिए। सुभाष है जी, सुभाष जोगी, फुल सपोर्टर, फुल वोट जी गाँव के अंदर तो। हाँ जी, बहुत समर्थन है। हाँ, फुल समर्थन है जी। तो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तरह तरह के जो उम्मीदवार है, चाहे वह जिला परिषद का है, सरपंच का है, पंच का है, ब्लॉक समिति मेंबर है, उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे और जो जिन समस्याओं को लेकर के, जिन विकास को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उन मुद्दों से भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।